हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। उठ मैं पहले गया था, 7:15 उठ गया था, लेकिन नहाने धोने में टाइम लग गया। तो आज है भाई धनतेरस का दिन, तो अभी दिवाली सी बची है 2 दिन बाद। आज 10 तारीख हो गया और दिवाली है 12 तारीख को, मतलब संडे को दिवाली है और आज है फ्राइडे। तो भाई टाइम बचा बहुत कम है और घर में बनाना है बहुत सारी मिठाइयाँ, नमकीन, बहुत सारी नहीं मतलब सिर्फ हमें खाने भर का ही, मतलब हर साल बनता है। तो अभी देखो, तो यहाँ पर देखो भाई, दूध जो कल रात को लाया हुआ था 4-5 थैली, इसको अब उबाला जा रहा है। तो क्या बनेगा इसका? गुजिया। तो दूध का गुजिया बनेगा, खोआ बनेगा। ओके, तो दूध का भाई बनेगा खोआ, क्योंकि मैं दुकान पे से, मतलब मिठाई की दुकान पे से खोआ लाया था, तो उन्होंने पता नहीं कौन सा मिलावट वाला खोआ दिया था, वो गुजिया के अंदर बहुत अजीब सा हो गया था। तो इस बार हमने सोचा कि हम घर में ही खोआ जलाएंगे और उसको बनाएंगे, और आज गुजिया का काम कर लेंगे और फिर कल शायद नमकीन उमकीन जो रहेगा वो कल बन जाएगा, या फिर आज रात को ही टाइम मिला तो रात को ही कर लेंगे। तो जैसा जिसको टाइम मिलेगा उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि आज धनतेरस है तो उसमें धनतेरस का भी पूजा करना रहता है, लक्ष्मी जी का, तो ये सब में टाइम जाने वाला है। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। और अब भी देखो खाने की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखो ये हुआ कि खाना भी जल्दी जल्दी बना के रख दिया जाए, गोभी आलू की भाजी, और यहाँ पे जो है सब सामान आके रखा हुआ है। यहाँ पे सूजी जो है वो भूज के रखा हुआ है। सूजी को एकदम अच्छे से घी में भूज भूज के रख दिया गया है, मतलब सब जो मटेरियल रहेगा ना तैयार करके रखा रहेगा, क्योंकि गुजिया बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और बाकी नमकीन नमकीन बनाने में इतना टाइम नहीं जाता, लेकिन गुजिया में बहुत ज़्यादा मगजमारी होती है कि पहले खोआ जलाओ, फिर उसका आटा तैयार करो, सूजी को पीसो मतलब भूनो, फिर उसको बना बना के शेप दे के रखो, फिर काढ़ो, मतलब लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसके लिए सोच रहे पहले गुजिया बना लेते हैं और फिर बाकी का काम बाद में करते हैं। तो चलो पहले अभी चाय वाय पीते हैं, और फिर मेरा आज ऑफिस का भी बहुत सारा काम है, वो भी मुझे निपटाना है। मतलब छुट्टी के नाम पे कुछ भी छुट्टी नहीं है, काम कुछ ज़्यादा ही रहता है भाई घर में, घर में रहने पे ज़्यादा काम रहता है। तो चलो देखते हैं क्या कैसे अरेंज होता है, पहले चाय नाश्ता करते हैं। गाइस देखो, 1.25 किलो काजू जो है वो डला जा चुका है इसमें, महंगाई के ज़माने में। और यहाँ पर देखो खजाना लेके बैठी है, इतना सारा बादाम देखियो, ये पूरा डब्बा भरा हुआ था बादाम से, गजब। तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले जा रहे भाई, कूट कूट के, देखो इसे जब मिक्सर में पीस लियो तू। यहाँ पर भाई देखो मैदा जो है उसको चाला जा रहा है, और अभी तक समझ लो 1-1.5 घंटा हो गया और अभी तक खोआ बना नहीं है उतने ज़्यादा, उससे पहले तो भाजी बन गई अपनी। गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी गोलू के लिए, हम लोग बंदूक खरीदने जा रहे हैं भाई। मेरे आंखों के सामने ऐसा चाइना वाला बन रहा, धूप लग रहा है। तो देखो हमने ना अपनी जो बंदूक ले ली, अब ये बंदूक का मैं आपको बताता हूँ। खोलो भाई इसको, देख रहे हो इसमें भाई ऐसे ऐसे चीज आ गए भाई इसमें। अब बंद कर इसको, अब गोली चलेगी और इसको चलाएगा ये। हाँ गोलू गुंडा है, बन गया भाई। डेमो दिखाने वाला हूँ, चलो स्टार्ट करो। ये अपनी अब इसके अंदर जा रही है गोली। हाँ भाई, फिर ये हो गया। अरे माँ कसम, सही, अच्छा हुआ किसी की जान नहीं लिया तूने। तो गाइस देखो यहाँ पर हम लोग आ गए पटाखे लेने के लिए, पटाखे नहीं भाई, ये लेने के लिए आए हम लोग जो प्रैक्टिकली इसमें की मिसाइल देख रहे हैं, बट मिसाइल मिल नहीं रही है। ढूंढो ढूंढो। तो गोलू दिखाओ बंदूक, दो गोलू बंदूक दो। देखो भाई कहाँ लगा के रखा है बंदूक, क्या बात है। गाइस देखो मम्मी धनतेरस के दिन क्या लेके आई, एक छोटा सा ग्लास और एक थाली और इतना सारा दिया। तो बर्तन लेना शुभ होता है धनतेरस के दिन, ना बर्तन लेना जो होता है वो शुभ होता है। इसके लिए एक थाली और एक ग्लास छोटा सा लिया जा चुका है,
और बाकी कुछ लेना रहे तो वो बाद में ले सकते, लेकिन बर्तन तो जरूरी है लेना, क्योंकि इसी में भगवान की फिर पूजा होगी, मतलब आरती होगी इसी में। गाइस देखो यहाँ पे जो खोआ था उसको रवा के साथ अच्छे से मिला दिया गया है। अब यहाँ पे जो बोलते हैं ना गुजिया का जो रोटी जैसा बनाते हैं वो बना के रख रहे हैं। तो देखो गाइस यहाँ पर फर्मे के अंदर रखा जा चुका है और बीच में डाला जा रहा है खोआ और सूजी, और इसको ऐसा बंद करके निकाल लो भाई। गुजिया तैयार, मतलब काटना पड़ेगा, ये कच्चा रॉ मटेरियल तैयार हो गया भाई। देखो कितना सुंदर सुंदर। तो गाइस देखो यहाँ पर अपनी गुजिया जो है वो बन के रेडी हो गई है, अब इसको सिर्फ काटना बाकी है, तो जब काटेंगे तब आपको दिखाएंगे। नहीं फूटा हुआ, वाह वाह देखो भाई गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर एकदम सुनहरा सुनहरा। तो बाकी का जो है वो सब डलाते रहेगा और जब सब बन जाएगा तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो फाइनली अपनी गुजिया बन के तैयार हो गई, बस परेशानी है कि खाने को नहीं मिलने वाला है। नहीं बाबा, आज तो नहीं, आज नहीं भाई, ये दिवाली के दिन भगवान को चढ़ा के तब मिलेगा प्रसाद के रूप में, तब हम लोग खाएंगे। तब तक के लिए फिलहाल बन गया वही बड़ी बात है, खाएंगे 2 दिन बाद जाएगा तो पेट में ही। तो बन गया भाई, अब इंतजार 2 दिन देखना जल्दी नहीं जाएगा। अभी नमकीन वगैरह जो है, नमकीन कल बनेगा, शंकर पाली वगैरह जो रहेगा वो समझ लो कि आज रात को बना देंगे, फिर बाद में कल नमकीन उन बना देंगे। कौन आ गया भाई, कहाँ से आया? तो यार अब भी बज रहे शाम के 6:20 और हम लोग पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है ज्वेलर्स की दुकान पे। और अभी देखो कब तक आते हैं पापा, इंतजार करते रहो, क्योंकि यार पूजा करने का जो साइट है, मतलब टाइम है 8:05 ना, 8:05 का साइट है आज धनतेरस की पूजा का। और एक देखो ये भी तैयार हो रहा है भाई, तो भाई तैयार होना है, तो यहाँ पे गया पाउडर और काजल खुद से उठा के लाया है। गाइस मैं और मम्मी जा रहे हैं सर्वोत्तम पे, और पापा आ गए देखो, तो चलो निकलते हैं साथ में और जल्दी जल्दी पहुंचते हैं सर्वोत्तम पे। देखो सर्वोत्तम पे पूरा एकदम महफिल जमी हुई है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। तो यहाँ देखो पूरा ऐसा लग रहा है पूरा एरिया की पब्लिक यहीं पे आ गई है। देखो पूरा सर्वोत्तम भाई जो है ना पूरा भरा हुआ है, ऊपर से ही देख लो, हर जगह लाइटिंग वगैरह सब। भाई देखो ये पूजा करने के लिए झाड़ू ले लिया गया है, आज महंगा मिल रहा है 20 रुपये का यहाँ पूजा का दुकान। तो गाइज हम लोग आ गए यहाँ पे राठौर ज्वेलर्स, तो हम लोग ना यहीं से कुछ टाइम से यहाँ से ही सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो चलो अभी देखते हैं कितना क्या क्या लेते हैं यहाँ से। यहाँ पहले गए थे वहाँ पे हमें नहीं मिला, तो हम लोग फिर अभी जहाँ पे आए ना हम लोग बिल्डिंग में, मतलब उनका शॉप है, मतलब बिल्डिंग में रहते हैं और शॉप सर्वोत्तम पे है सत्यम ज्वेलर्स करके, तो वहाँ पे हम लोग ने जो मम्मी को लेना था, मेन आपको पता है कि मैंने पिछले वाले वीडियो में ना बताया हुआ था
कि मम्मी के नाक में का घूम गया था, तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि मम्मी को वेट करने के लिए थोड़ा, और फिर हम लोग आएंगे धनतेरस के दिन खरीद लेंगे। तो अभी आज धनतेरस था तो मैंने लोग वैसे ही कुछ गोल्ड वगैरह खरीदना ही होता है तो फिर वही खरीद लेते। तो अभी मम्मी ने खरीद लिया है और उसका बिलिंग कर रही है हम। कहाँ से ही लिया, ये सर्वोत्तम पे ही है, बस ये पहली गली में है और फर्स्ट फ्लोर पे है। तो चलो बिलिंग करवा के और फिर निकलते हैं यहाँ से, पापा वेट कर रहे हैं नीचे। अपना जो है सामान ले लिया है हमने यहाँ से सत्यम ज्वेलर से। तो अभी सर्वोत्तम पे आए तो मम्मी ने बोला कि पार्लर जाना है मम्मी को, तो भी एक बार चेक कर लेती है, अगर गर्दी नहीं रहेगा तो फिर वो जाके अपना ब्यूटी पार्लर में थोड़ा आईब्रो वगैरह बनवा लेती है। तब तक मैं जाता हूँ एटीएम से थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। देखो जा रही है मम्मी यहाँ पे क्यों आती है पता है, ये जो सोना ब्यूटी पार्लर है ना, रुक जाए मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी की फ्रेंड है वो सोना ब्यूटी पार्लर वाली, इसके लिए मम्मी, मैं भी इसको दूसरी जगह लेके आता हूँ लेकिन मम्मी हमेशा यहीं पे आती है क्योंकि मम्मी की देखा। तो गाइज मैं एटीएम में आया हुआ था लेकिन यहाँ पे लोचा हो गया, एटीएम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है मेरा। दो बार से ऐसे हो रहा है, जब मैं एटीएम में आ रहा हूँ तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नौटंकी हो ही जाता है। चलो खैर कुछ काम चला लेंगे इधर उधर से, क्योंकि कैश विड्रॉल करना ज़रूरी था मेरे लिए, बट ठीक है अभी ऑनलाइन पेमेंट करो हर जगह। तो मम्मी यहाँ पर अपना पार्लर में है, देखो अंदर मम्मी बैठी हुई है भाई। डन डना डन डन, चलो भाई इधर से। पापा की गाड़ी को दूसरी जगह खड़ा करना पड़ा, किसी ने ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया, पता नहीं किसकी है डब्बा, नहीं तो ये पापा का जगह है, यहाँ पे पापा ही खड़ी करते हैं। तो हम लोग गए थे अपना सामान लेने के लिए, उसमें लगता है किसी ने ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया। कहाँ किसने खड़ा किया, कौन कहाँ ढूंढने जाए उसको, ओनर देख लो भाई ये गाड़ी किसकी है। मेरा वीडियो कोई देखता होगा तो उसको पता करो यार अपनी बिल्डिंग में कौन है और बताओ मुझे, जय ठक्कर। अभी ना 8:05 हो गए और हो गया धनतेरस के पूजा का मुहूर्त। तो अभी मम्मी कर रही है हर जगह स्वास्तिक का मार्क, तो दिखाता हूँ आपको भाई। ये भी देखो टीका उका लगा के घूम रहा है, अपने हाथ से टीका लगा लिया आज इसने। और यहाँ मम्मी सब कवर्ड में जहाँ पे सब मम्मी का तिजोरी रखा हुआ है तो इसमें मम्मी अपना स्वास्तिक वास्तिक बना रही है। और यहाँ पे अभी थाली रेडी है, फिर जाते हैं तब हम लोग। ये भी यहाँ घूम रहा है, पूजा कर पका चलो चलो बाहर चलो, फिर मुंह में हाथ डाला, चलो आ जाओ बाहर। तो गाइज मुझे पता नहीं था कि पूजा यहीं पे होने वाला है इतने सारे गृहस्थी के बीच में, ये कपट की पूजा होती है धनतेरस के दिन। भगवान के पास तो हो गया था सुबह, इससे देखो रहा नहीं जा रहा है। अंदर अगवा बैठ बका, मम्मी कहीं नहीं है बैठी के तो हुआ घुस के चले। हां तो भाई कहां बैठे, सही बात है ना, जगह दो। रुका बोलू एक का सिक्का भाई, माना नहीं देखो गोदी में बैठेगा, एक का सिक्का दप्पा। तो भाई जो नया नया चीज खरीदा गया है उसका भी पूजा होगा, मेन उसका ही पूजा होगा। तो ये नए वाले थाली में ही पूजा हो रहा है, नीचे वहाँ बैठ जाता भाई। तो भाई नमक और धनिया का पूजा हो रहा है, धनिया जो सूखा वाला धनिया होता है उसका, और साथ में गुड़ का। बता वाला इतना चुनटुकला सा चीज इतना महंगा। चलो जल्दी जल्दी दोनों हाथ से हो गया पूजा, अब प्रसाद खिला दो भाई गुड़ का। गाइस यहाँ पर भी विश्व पूजा करते हुए दिखाई दे सकता।
तो फाइनली गाइस धनतेरस की जो है वो पूजा हो गई और अभी हो गया लगभग 8:20, मतलब जो साइट था 8:05 पे था, जो परफेक्ट साइट था, तो हमने परफेक्ट साइट पे पूजा कर लिया, ये अच्छी बात है। और बाकी अभी बहुत सारा चीज़ यार पता है ना, तैयारी करनी थी सुबह, मतलब गुजिया जो था वो तो बन चुका था, अब इतना टाइम शंकरपाली वगैरह सब कुछ बनेगा। खुश रहो, पूजा वूजा करें, कभी कभी लगता है आपुनिच भगवान है भाई। तो चलो मिलता हूँ अभी। देखो यहाँ पर अभी रात के खाने के लिए बन रहा है पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची को मिक्स करके भुजिया बना रहे भाई, तो ये सब बनने दो। और साथ में अभी हम लोग गए थे सर्वोत्तम, तो पापा ने लिया था वड़ा पाव और उसको अभी चुक्का पुक्का करते हैं भाई। अपना आ गया रात का खाना पापा का भी, तो इसको खाते और फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। तो गाइस मेरा खाना पीना खा के हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे थोड़ा वॉक करने के लिए, 10 मिनट का थोड़ा राउंड मार के आता हूँ, और फिर उसके बाद मम्मी और इन लोग शायद से मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि सब लोग दिन भर में थक गए हैं, तो हो सकता है कि शंकरपाली और पापड़ी ये सब बनाएं, क्योंकि नमकीन तो कल ही बनेगा, तो चलो देखते, चलो पहले वॉक करके आता हूँ। तो गाइस मैं आ गया वॉक करके, तो मम्मी और बिशु का प्लान थोड़ा चेंज हो गया, वो बोले कि आज सब थक गए, आज गुजिया बनाने में ज़्यादा थकावट लग गई, तो बोले कल पापड़ी और नमकीन जो है वो मतलब शंकरपाली ये सब कल बन जाएगा, तो मैं भी थोड़ा थक गया था, तो मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो चलो यार कल मिलते हैं मॉर्निंग में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार, कोई वीडियो देखा करो, व्यूज़ नहीं आ रहे, ध्यान दो थोड़ा। चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग, बाय।